नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं गर्मी की सबसे प्रमुख बीमारी लू लगने की। इसको हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक भी बोलते हैं। कई दिनों से मेरे पास काफ़ी सारे लोगों का फ़ोन आ रहा है जो हीट स्ट्रोक लग जाने की बात कर रहे हैं। अभी खरगोन से ही एमपीबी के हेड का फ़ोन आया था 3-4 दिन पहले, जिनको मैंने होम्योपैथिक दवाई खरगोन में ही अवेलेबल कराई थी। उनको बहुत तेज़ बुखार आ रहा था, सिर दर्द हो रहा था और आँखों में जलन हो रहा था। सिर दर्द का परेशानी जो है ये गर्मियों में बढ़ जाता है, लेकिन हीट स्ट्रोक की सबसे जो प्रमुख सिम्टम्स हैं, मुख्य लक्षण हैं, उसमें सिर दर्द, आँखों में जलन, पेशाब में जलन, शरीर में जलन, चक्कर आना या फिर बुखार तेज हो जाना, ये हीट स्ट्रोक के भी लक्षण हो सकते हैं। अगर आप धूप में गए हैं या अचानक कार से उतर करके धूप में उतरे हैं, तो आपको उसके बाद यदि इस तरह के लक्षण आ रहे हैं तो ये हीट स्ट्रोक के लक्षण हो सकते हैं, लू के लक्षण हो सकते हैं। अगर आपका पानी पीने के बाद भी बार बार मुंह सूख रहा है तो यह भी लक्षण हो सकता है। तो आप शरीर में पानी की कमी ना होने दें। देसी उपाय काफ़ी कारगर है लू से बचाव के लिए। जैसे लोग आम का झोलिया या पना पीने की सलाह देते हैं, कई लोग प्याज का रस पीने की सलाह देते हैं, प्याज का लेप भी करते हैं, कई लोग धनिया, हरी धनिया को पीने की सलाह देते हैं, कई लोग नींबू पानी पीने की सलाह देते हैं, कई लोग छाछ पीने की सलाह देते हैं। इस तरह का जो भी सलाह है वो सभी कारगर है। कहने का मतलब ये है कि जब रूम टेम्परेचर या बाहर का तापमान खूब बढ़ गया हो तो हमको शरीर के तापमान को नियंत्रित रखना है। उसके लिए हर थोड़ी थोड़ी देर में आपको पानी पीना चाहिए। हो सके तो आम का झोलिया पीजिए, छाछ पीजिए या सत्तू का शरबत पीजिए, जो अवेलेबल हो आपके पास उसको ले सकते हैं। नहीं तो वाटरमेलन का शरबत पीजिए या फिर ककड़ी खूब सारा खाइए। जिसमें पानी की मात्रा अधिक हो उसका सेवन करना चाहिए। होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत अच्छा इस पर असर करती हैं। नेटामयूर है, ग्लोनाइन है, एरियम सीपा है, बेलाडोना है, कैप्सिकम है, कैंथरिस है, ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ हैं। पर आप जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया का तापमान कैसा है और उस एरिया में आपको कैसी परेशानी हो रही है, वहाँ के किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से सलाह लेकर के ही आप होम्योपैथिक दवाइयों का सेवन करें। लेकिन जो देसी उपचार है, जो बचाव के तरीके हैं, वो आप कर सकते हैं। आम का झोलिया नियमित लीजिए, छाछ लीजिए, सत्तू का शरबत लीजिए, वाटरमेलन खूब सारा खाइए, ककड़ी खूब सारा खाइए, प्याज सेवन करिए, नींबू का खूब सारा सेवन करें। इससे आप गर्मी में लू लगने से बच सकते हैं। जिनको सिर दर्द या माइग्रेन की शिकायत है वो नियमित रूप से नेटामयूर या ग्लोनाइन का सेवन गर्मी में अगर होम्योपैथी चिकित्सक के सलाह से लेते रहेंगे तो उनको उनका माइग्रेन का अटैक नहीं आएगा और माइग्रेन से भी बच सकेंगे, सिर दर्द से भी बच सकेंगे और लू से भी बच सकेंगे। तो बचाव के लिए भी आप होम्योपैथिक दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू।